हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजू प्रताप। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ए स्टाइलिश मेहरी डिजाइन। आज दोस्तों आज ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। आज हम दो सामान का यूज करेंगे, घर के सामान का, जो आप खाते भी हैं और बनाते भी हैं। आज हम एक प्याज का यूज करेंगे और केले के छिलके का यूज करेंगे। देखिए, हमने केले के छिलके का छील करके रख लिया है हथेली में, और एक प्याज को हमने दो रखा है, जैसे कि एक चेहरे का आकार दे दिया है। चेहरा जैसा होता है, इंसान का जो चेहरा होता है दोस्तों, वैसा ही हमने एक आकार दे दिया है। ऐसे ही डिजाइन बनाना है आपको दोस्तों। आप इतना अच्छा खूबसूरत डिजाइन बनेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे दोस्तों। देखिए, हमने एक प्याज के जो सबसे छोटा साइज होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें हर तरह के साइज मिल जाता है आपको, छोटा बड़ा सारे साइज का आपको मेहरी बनाने के लिए सारा साइज मिल जाता है। इसलिए आपको इस डिजाइन में हमने दो छोटे साइज का यूज किया है प्याज का। देखिए, हमने एक उंगली के जस्ट वहाँ रख लिया है और छोटी उंगली के पास हमने रख लिया। ऐसे ही रखना है आपको दोस्तों। और केले के छिलके को, तीसरा जो केले का छिलका है, उसको स्माइलेस की तरह ऐसा रखना है दोस्तों। देखिए, हमने आँख वाला कंप्लीट कर ली हूँ, उसको एक फूल बना दी हूँ। फूल जो आपने बनाती होंगी, नहीं बनाती होंगी, इस वीडियो में आप सीख लीजिए। देखिए, हमने कितना आसानी से बनाई हूँ। एक आग का आकार ले लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेहरी बनाने का एक कतरा डिज़ाइन भी नहीं आता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे चैनल में ऐसा तरीका सिखाया जाता है जो आपने कभी भी पूरे यूट्यूब में नहीं देखा होगा, पूरे गूगल में नहीं देखा होगा, पूरी दुनिया में नहीं देखा। आप सिर्फ मेरे चैनल में ऐसा ही वीडियो देखने को मिलेगा। यही एक चैनल है जो आपको मेहरी बनाने का सबसे आसान तरीका सिखाता है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमारा कलाई के साइज में हमने जो रखा था, अब उसको हम भर लिया है एक डब्बे के आकार में, और ऐसे ही भरना है दोस्तों। जो हमने स्माइलेस की तरह रखना है, रखी थी हमने दोस्तों। देखिए, हमने सबसे बीच में बड़ा गोल टिक्की रखा है, फिर उसके बाद उससे छोटा, हमने ऐसे छोटा छोटा करके पूरे फूल तक हमें ऐसे करना है, पूरे फूल तक ले जाना है। एक देखिए, केले की मदद से कितना खूबसूरत डिजाइन बन जा रहा है। उसकी मदद कितनी आसानी तरीका से होता है। कई लोग होते हैं जब गोला करते हैं, गोल टिक्की रखते हैं तो गोला नहीं बन पाता है। इसलिए केले की छिलकी मदद से आप इतना खूबसूरत डिजाइन बना सकती हैं। देखिए, हमारा आधा कंप्लीट हो गया है, इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। अब हम काने उंगली में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। मेरी प्यारी सहेलियों, रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन में आपको अपनी हाथों में मेहरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके हाथों इतनी खूबसूरत लगती है कि पूछिए मत। अगर आप ऐसी डिजाइन बनाएंगे, वो भी चंद मिनटों में बनाएंगे, तो भाई आपके हाथों को देख करके आपके हाथों में इतना पैसा दे देंगे कि आप बाज़ार जाके अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ऐसा डिजाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। भाई को इम्प्रेस कीजिए दोस्तों, मेरी प्यारी सहेली। देखिए, हमारा कानी उंगली वाला भी कंप्लीट हो गया है, और जो पहली जो उंगली थी वो भी कंप्लीट करना है। ऐसे डब्बा डब्बा भरना है दोस्तों। मेरी प्यारी सहेलियों, मैं आपको इतना आसान तरीका सिखाती हूँ मेहंदी बनाने का, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। आपको ऐसे नए नए तरीका मैं खोज के लाती हूँ जो आपको इतना खूबसूरत बना दे कि आपकी दुनिया पूरी फिदा हो जाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा कंप्लीट हो गया है, मैक्सिमम ढेर सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो कलाई में डिज़ाइन बनाई थी हमने, उसे गोल टिक्की करके ऐसे लंबा सा खींच लेना है, ऐसे लंबा सा, जैसे कि मैं खींच रही हूँ। ऐसे ध्यान से देखिए इस डिज़ाइन को, कैसे मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को, पूरे ध्यान से देखिए। देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अब हम केले के छिलके को हटाएंगे। जो मेहंदी की कोन होती है दोस्तों, उसकी मदद से हम प्याज को हटाएंगे और केले के छिलके को हटा लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जो हमने एक आग का जो बनाई थी हमने, उसको गोला कर देना है और मोटा करना है, और उसके बीच में एकदम आग गोला करके गोल टिक्की रखना है, एकदम गोला,
देखिए हम कर रहे हैं, कितना धीरे धीरे कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए ये मोटा कर लिया है, इसको बीच वाला सबसे ज़्यादा मोटा कर लिया है। देखिए कितना स्माइलिस का एक आकार ले लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसके त्योहारों के दिन में ज़रूर बनाइए इस डिज़ाइन को।